नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली से रुड़की आते वक्त भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पंत घायल हो गए। उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया है। ऋषभ के माथे और पैर पर चोटें आई है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। बता दें, कार में ऋषभ अकेले थे और वह खुद गाड़ी चला रहे थे। जिस स्थान पर क्रिकेटर ऋषभ की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई वह ब्लैक स्पॉट है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से बात कर ली है, अच्छा इलाज करेंगे, अच्छी चिकित्सा वगैरह सब कुछ अच्छा होगा, तो आप चिंता मत करिएगा। मेरी शुभकामनाएं है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है माता, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के एनएच 58 पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि ऋषभ दिल्ली से रुड़की जा रहे थे और इस दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ऋषभ को 108 की मदद से उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भेजा गया। प्राथमिक इलाज के बाद ऋषभ को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अब ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के लोगों से बात की और कहा कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवेल्युएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवेल्युएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर, बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ जी? अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहां जहां के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवेल्युएशन भी कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है जो एग्जामिन कर रही है। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम की माता को दी गई श्रद्धांजलि। बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दी श्रद्धांजलि। विधायक समेत नेताओं ने भी यहां पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यहां पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायक समेत तमाम नेताओं ने पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की माता हीराबेन बा का आज सुबह निधन हो गया। 100 साल से ज्यादा की उम्र में उनका निधन हुआ है। पीएम की माता ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया और देहरादून में पीएम मोदी की माता को श्रद्धांजलि दी गई है। बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधायकों समेत दूसरे बीजेपी नेता मौजूद रहे। सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की। मां भारती के यश को विश्व के अंदर स्थापित करना चाहिए। इस सारे संस्कार बाल्यकाल से ही जिन्होंने मोदी, मैं कह सकता हूं
उनके द्वारा दिए गए मंत्र देश के धन्य नेता मोदी जी के मन मस्तिष्क में अनेकों शताब्दियों तक रहे, अनेकों समय तक रहे। खबर देहरादून से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। सीएम धामी ने अपने शोक संदेश में ट्वीट कर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन बा के निधन का अत्यंत दुखद खबर मिली है। सीएम ने बाबा केदार से प्रार्थना की कि पीएम और समस्त परिवारजनों को ये असीम कष्ट सहने की शक्ति दें। उत्तराखंड के गढ़वाल सीट से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत संसद के शून्यकाल में उत्तराखंड की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि जिस प्रकार पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, उसी प्रकार उत्तराखंड की भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। बोली भाषा उसको भी संवैधानिक दर्जा मिले, आठवीं अनुसूची में आए, ये डिमांड मेरी थी पार्लियामेंट के अंदर और ये जनता की डिमांड है। क्योंकि जिस तरह अन्य स्टेटों के अंदर वहां की भाषा, चाहे उड़िया हो, मलयालम हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, ऐसे बहुत सारे स्टेटों को। पौड़ी में कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ताजा मामला यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के पास है, जहां एक प्राइवेट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें गुम की अध्यापिका चित्रा कन्नौज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं उनके पिता को गंभीर चोटें आई हैं, फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज तीन परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया। सचिवालय, रक्षक, वन दरोगा और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही वन दरोगा परीक्षा के अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि आयोग को दोबारा परीक्षा नहीं करानी चाहिए, जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी भर्ती करनी चाहिए। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के फैसले पर अपने सिर को मुड़वाकर प्रदर्शन किया और आयोग के चेयरमैन जब कार्यालय से बाहर निकल रहे थे तो गेट के सामने बैठकर विरोध जताया, जिससे आयोग के चेयरमैन बाहर नहीं निकल पाए। हरिद्वार में इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है, तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मैदानी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बता दें, तापमान के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने वाले ऑब्जर्वेटरी सेंटर ने 28 दिसंबर का न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया, जो कि अभी तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से लोगों का घर से निकलना कम हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हरिद्वार में पिछले कई सालों में ऐसी ठंड नहीं पड़ी है, ठंड कम होने पर ही जनजीवन सामान्य हो सकेगा। अट्ठाईस से पहले 1 डिग्री टेम्परेचर रहा और 28 तारीख को ही अभी आपने देखा -0.6 रहा है, तो ठंडा तो है ही बहुत ज्यादा। न्यूनतम माइनस में कभी कभी 4 साल 5 साल में ऐसा अक्सर देखा गया है, आमतौर पर नहीं। तो अभी की इस बार की सर्दी को हम कह सकते हैं कुछ रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है और ये सिर्फ 2-3 दिन में ही, 26-27-28 तीन दिन में ही ये इतनी सर्दी पड़ी है और ठंड का प्रकोप आगे बढ़ रहा है।
शरीर परेशानी हो रही है। लाइट अलाउ नहीं है जलाने के लिए, कम से कम रोड के किनारे कहीं ना कहीं गरीब आदमी बैठ जाता है अलाव को देखते हुए, और अलाव के प्रति जो है आदमी थोड़ा सहारा मिल जाता है। मौसम रहता था मतलब इस बार ज्यादा कैसी ठंड हो रही है, इस बार ज्यादा ठंड आग जला के सेक रहे हैं, चक्कर में आग जला रहे हैं, ठंड आ गई है। समय से पहले आ गई है चीजें, आग जला के सेक रहे हैं भाई। अब बचना तो है ना, ठंड से तो बचना ही है, क्या करें बताओ। यही चाह रहा उतना गरीब आदमी का। खबर कालागढ़ से है, जहां नए साल के मौके पर वन्य जीव की तस्करी को लेकर और जंगलों में घुसपैठ की आशंका को लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में गश्त की गई। आला अधिकारियों की देखरेख में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ और सोना नदी समेत पाखरो रेंज में गश्त की गई है। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में मौजूद नदी और नालों सहित जंगलों में प्रवेश के प्रचलित संवेदनशील मार्गों पर भी गश्त की गई। वहीं वनकर्मियों की ओर से डेरा और झालों की तलाशी ली गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज, बोरगट्टी रेंज और पाखरो रेंज की एक संयुक्त गश्त ऑब्लिक फ्लैग मार्च किया गया, जो यूपी के भीरमानवाला, भोगपुर और बड़ापुर के एरिए को कवर करता हुआ यह भोगपुर में पहुंचा है, जिसमें हम यहां पर मास्टर साहब के घर पर हम खड़े हैं और इनके द्वारा हमारे जितने भी लोग हैं उनको ठंड से बचने के लिए एक एक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की कालागढ़ रेंज, बोरगट्टी रेंज और पाखरो रेंज की एक संयुक्त गश्त ऑब्लिक फ्लैग मार्च किया गया, जो यूपी के भीरमानवाला, भोगपुर और बड़ापुर के एरिए को कवर करता हुआ यह भोगपुर में पहुंचा है, जिसमें हम यहां पर मास्टर साहब के घर पर हम खड़े हैं और इनके द्वारा हमारे जितने भी लोग हैं उनको ठंड से बचने के लिए एक एक कैप और एक एक ग्लव्स दिया गया है। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के बाद से ही लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। बनभूलपुरा के लोगों ने इसको लेकर कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं और पुरुषों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कैंडल मार्च का समर्थन देने समाजवादी पार्टी के नेता शोएब अहमद ने बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के साथ धोखा किया है, सरकार ने लोगों का पक्ष नहीं रखा और एकतरफा कार्रवाई कर डाली। कैंडल मार्च अपने हक की लड़ाई के लिए निकाला जा रहा है। जो रेलवे अपनी जमीन बता रही है, एक हद से ज्यादा बता रही है, उसके विरोध में हम लोग ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आज। हमारी मांग ये है, रेलवे अपनी जायज जगह ले, जितनी उसकी है, हद से ज्यादा आगे ना बढ़े, और जिनकी जगह ले रहे हैं, जिनके झोपड़े, जिनकी छतें वो छीन रही है, उनको भी कहीं और जाके बसाए। ऐसे इतनी ठंड में कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ठंड में यहाँ जमा हुए हैं कैंडल लाइट के लिए। वो इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे रेलवे के अलावा जो प्रॉपर्टी जा रही है, जिनकी रजिस्टर्ड जगह है, तो हमारी यही मांग है कि जिनकी रजिस्टर्ड जगह है उनकी एटलीस्ट जगह ना जाए, और जो झोपड़पट्टी वाले उनको भी गवर्नमेंट कहीं जगह दे, जैसे कि वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बाकी लोग जो है उनको कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया था, उसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ से एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से और एसएसपी से मिला, जिसमें यहाँ के विधायक थे, क्षेत्रीय विधायक समिति निर्देश थे, मतीन भाई थे, जामा मस्जिद के शहर इमाम थे और मौलाना मुकीम साहब थे, तीन चार पार्षद थे, जिसमें शाकिर थे, उवैस राजा थे, गुफरान थे और अरशद थे, अख्तर अली थे, रेहान मियाँ थे। हम सब लोगों ने आज मुलाकात की और उसमें ये उनसे बात रखी है कि जिस तरीके से यहाँ की सरकार पार्टी नहीं बन रही है इस मसले में, ठीक है, हम लोगों ने न्यायपालिका का, जो उच्च न्यायालय का फैसला है, उसको सम्मान किया है।
ऋषिकेश एम्स की सुरक्षा में तैनात आउटसोर्स कंपनी के सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स नौकरी से निकाल दिए गए, जिसका भारी विरोध देखने को मिल रहा है। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने एम्स परिसर में एम्स प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उससे वो भी बेनतीजा रही। सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि कोरोना काल के दो सीजन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एम्स की सुरक्षा में ड्यूटी की है, जिसका नतीजा उन्हें नए साल पर नौकरी से निकाले जाने का तोहफा देकर दिया जा रहा है। लाडू मेन नंबर गेट 3 पे, ठीक है। मैंने साहब कोविड काल में यहाँ पे काम किया है, और उस दौरान मैंने देखा है कि हम गार्डो को वो कार्य किया गया है कि जैसे पीपी किट पहनना, इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे थे वो हमको ही डॉक्टर समझ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सामने फेस हमने ही करना पड़ा, ठीक है। और विश्वास नहीं करोगे साहब, ये कार्य करते करते मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को पॉजिटिव, अपनी 9 साल की बेटी को पॉजिटिव, अपनी वाइफ को पॉजिटिव, मैंने अपने घर में कितने पॉजिटिव किए हैं। देखिए, एक ऐसा है कि हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट से सिक्योरिटी गार्ड लेने का आदेश आया हुआ है, जो हमने कागज जो है लेटर्स जो आ रखे हैं वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ही हमारे को सिक्योरिटी गार्ड लेना है। इनको लेने का हमारे पास, हमारे को दिवाली से ये हो रहा था, उनको पूछा जा रहा था कि क्यों नहीं रखे, तो वो फेस्टिव सीजन रहने के कारण हमने उस टाइम में थोड़ा सा डिले किया था, टाइम मांगा था। नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नया साल मनाने के लिए सैलानी देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचते हैं, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं, जिसके लिए अब प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कोविड के चलते पिछले वर्षों की तुलना में इस साल अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक कैफे, रेस्टोरेंट, बार जैसे तमाम स्थानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी भी सरकार की तरफ से दी जा चुकी है। धामी सरकार के इस फैसले से नए साल के दौरान रात को भी सड़कों पर भारी संख्या में पर्यटकों के मौजूद रहने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले में व्यवस्था और अनुशासन को कायम रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे क्योंकि नया साल आ रहा है तो काफी पर्यटक यहाँ आते हैं, स्पेशली मसूरी में, तो ट्रैफिक और चक्राता में, नाका मंडल साइड में, तो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो मजिस्ट्रेट है उनको भी बता दिया गया है कि इस टाइम पे व्यवस्थाएं बना के रखे और किसी को कोई असुविधा ना। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं, और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहां पर हम लोग इस चीज को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे। पौड़ी जिले के एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए। एसएसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और बारों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए जहां नववर्ष के आगमन पर पार्टियों का आयोजन किया जाता है। आयोजन स्थलों पर भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाए जाने को कहा गया। साथ ही वहां के सीसीटीवी को ठीक करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि इस दौरान हुड़दंग करने वाले उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारियों से इसमें बैठक ली गई है और उनको बता दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने ये नए साल में जो पर्यटक आते हैं, तो जितने इनके क्षेत्र में जो रिजॉर्ट्स हैं और होटल्स हैं, उनके ओनर्स से एक बार मीटिंग कर लें, और जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं उसके संबंध में जरूर उनको बता दिया जाए। और जहां जहां हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा लांच डाउन है जहां पर्यटकों की काफी आमद होती है, उसके अलावा जो हमारा यमकेश्वर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र है और चीला क्षेत्र है जहां पे काफी संख्या में पर्यटकों का आवागमन रहता है।
कोटद्वार में पुलिस अलर्ट मोड पर है। नए साल पर शांति व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना करे, इसको लेकर सीओ कोटद्वार गणेश लाल कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले दो लोगों को अवैध शराब और जुआ खेलते पकड़ा गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दुगड्डा में एक व्यक्ति को बातपोह के साथ अवैध शराब के साथ अरेस्ट किया गया तथा इसी दौरान चेकिंग के दौरान एक मोटर ढांग में एक सट्टा करती हुई जो कि जू एक्ट के अंतर्गत आता है उसमें एक व्यक्ति 2300 से अरेस्ट हुआ है। अरे लगातार हमारा 31 तक ये अभियान 24 घंटे जारी रहेगा। या बैग हमारी जितने भी बैरियर पड़ते हैं बॉर्डर के, सनई बॉर्डर हो या कौड़िया बॉर्डर हुआ, इन पे लगातार दुगड्डा वगैरह में अभियान चेकिंग वगैरह जारी है। नए वर्ष के आगमन को लेकर उत्तराखंड सरकार ने रेस्टोरेंट और होटलों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा आबकारी विभाग ने 24 घंटे शराब की दुकानों को खोलने का आदेश पारित किया, जिस पर अब सियासत गरमा चुकी है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक समय में यह सरकार दारूबंदी की तरफ प्रदेश को ले जा रही थी। सरकार का कहना था कि हमारी देवभूमि है, यहां पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक तुगलकी फरमान सामने आया कि 2 जनवरी तक दारू के सभी ठेके 24 घंटे तक खुले रहेंगे। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को उस वक्त विरोध करना चाहिए जब हरीश रावत ने देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री खुलाई थी। वो दल उस दल की सरकार है इस समय प्रदेश में जो शने शने शराब बंदी की ओर प्रदेश को ले जाने की बात करती थी, इसको समाप्त करने की बात करती थी। देवभूमि हमारा प्रदेश कहलाता है, इसलिए यहाँ शराब का वितरण नहीं होना चाहिए, इसकी तरफदारी करती थी। उस पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में घर घर मोबाइल वैन से दारू बंटवाई, उसके साथ चखना भी बंटवाया। और अब आप सोचिए कि जो मातृशक्ति हमारी आंदोलनरत हुई, हमसे लगभग 200 दुकानें ज्यादा, कांग्रेस के कार्यकाल से 200 दुकानें शराब की ज्यादा खुलवा दी है भाजपा सरकार ने। देखिए, कांग्रेस को उस वक्त विरोध करना चाहिए था जब हरीश रावत जी ने देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था। कांग्रेस को उस वक्त विरोध नहीं दिखा जब हरीश रावत वैन से शराब बिकवाते थे पूरे प्रदेश में, लेकिन हमारे होटल व्यवसायियों का, हमारे रेस्टोरेंट के मालिकों का, जो नव वर्ष के दौरान केवल 4 से 5 दिन का पर्यटक सीजन उनका है, उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उसमें कांग्रेस को दिक्कत है, क्योंकि बाहर के राज्यों से पर्यटक आएंगे, उनके लिए सुविधा है। कालाडूंगी में वृद्ध स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में प्रकल्प संयोजक मनोज पाठक और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ने इसका आयोजन किया। इस शिविर के दौरान कैंसर एवं नशे पर काउंसलिंग की गई, साथ ही लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। इसके साथ ही मैमोग्राफी वैन से क्षेत्र की महिलाओं की स्तन कैंसर की जांच की गई। वहीं सेंट पीटर स्कूल बेलपराव में कैंप के आयोजन में हजारों लोगों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया। इस दौरान रक्तदान के लिए नौजवानों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। बेलपड़ाव पत्तापानी क्षेत्र में सेंट पीटर स्कूल में आज एक बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से यहां पर आईआरबी के कमांडेंट श्रीमान सुखवीर जी ने स्वयं रक्तदान करके उस कैंप का प्रारंभ किया। और मुझे लगता है श्रेष्ठ लोगों के इस आयोजन के माध्यम से बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं। नेत्र रोगी विशेष रूप से, जिनको कि चश्मा निःशुल्क प्रोवाइड होना है, और साथ ही जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। तराली में 64 मेले का आयोजन किया गया। तकरीबन 14 वर्षों के बाद तुंगेश्वर में आयोजित हो रहे 64 मेले में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। मां नंदा देवी की कुरुण विदाई को मनाने के लिए इस संस्कृति मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में थराली से बीजेपी विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं धार्मिक मेले में लोक गायक सौरभ मैठाणी के भजन और हेमा नेगी करासी की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। ये यहां पे जो है कि जब से हम लोगों ने ये आयोजन का कार्यक्रम किया है
उस समय से जो है कि हमारे माता भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे जो है कि इन भक्तों का इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिले कि हमारी जो है कि क्षेत्र में कमेटी भी हमारी बड़ी गदगद है अपने आप में कि हमें ये आयोजन पहले भी करना चाहिए था, लेकिन ये आज 14 साल बाद किया है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त और एक बहुत ही अच्छे उससे हुआ है। सबसे आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है गिरी जी, मैं समझता हूँ कि मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जो हमारी आगामी जो राजजात होगी उस पर मैंने इसके दोनों जो पड़ाव हैं कुरूड़ से लेकर के नौटी से लेकर के, और उसमें मैं ये चाहूंगा कि आधारभूत जो हमारी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं एक कार्य योजना तैयार कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से मैं इसमें पर्यटन मान्य सतपाल महाराज जी से भी मेरी वार्ता हुई है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।